हिंदू धर्म में शारदीय नवरात्रि का बेहद महत्व है। यह त्यौहार देश भर में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि नवरात्रि में माँ दुर्गा के नौ रूपों की पूजा अलग अलग रंगों के कपड़े पहनकर करने से माँ का आशीर्वाद मिलता है। इन रंगों का ध्यान रखते हुए पूजा विधि का पालन करने से घर परिवार में समृद्धि और खुशहाली आती है। नौ दिनों तक चलने वाली नवरात्रि में देवी दुर्गा के नौ अलग अलग अवतारों की पूजा उत्साह और भक्ति से की जाती है। पहला दिन नवरात्रि रंग नारंगी। नवरात्रि रंगों की लिस्ट में नारंगी रंग सबसे पहले और बेहद खास है। नवरात्रि के खास रंगों में नारंगी सबसे खास है। यह बेहद सुंदर रंग है। नारंगी रंग उष्मा आग और ऊर्जा से संबंधित होता है। नारंगी रंग का कपड़ा पहनकर देवी शैलपुत्री की पूजा की जाती है। देवी शैलपुत्री की पूजा के लिए नवरात्रि पर आप अपने घर और पूजा घर या मंदिर को भी नारंगी फूलों से सजा सकती हैं। माता शैलपुत्री की असीम कृपा आप पे बनी रहेगी। नवरात्रि का दूसरा दिन सफ़ेद रंग। सफ़ेद रंग बेहद खूबसूरत रंग है, शांति का प्रतीक है। यह रंग हर किसी को पसंद आता है। देवी ब्रह्मचारिणी प्यार एवं वफादारी की प्रतीक है। देवी के दाहिने हाथ में एक माला है और बाएं हाथ में एक पानी रखा हुआ बर्तन। आप इस दिन अपने घर को सजाने के लिए चमेली या सफ़ेद कमल जैसे फूलों का इस्तेमाल कर सकती हैं। सफ़ेद कपड़े पहने और माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करें, इससे आपके ऊपर असीम कृपा बनी रहेगी। नवरात्रि का तीसरा दिन लाल रंग। लाल नवरात्रि के नौ रंगों में सबसे शक्तिशाली रंग माना जाता है। लाल रंग देवी काली का रंग है। यह शक्ति और प्रचंडता को दर्शाता है। इस देवी की चंद्रघंटा की पूजा की दिन है। इस दिन आप लाल रंग के फूलों से घर को सजाने से लेकर लाल रंग के फलों को प्रसाद के रूप में चढ़ाने तक लाल रंग का कई तरीके से इस्तेमाल कर सकती हैं। लाल रंग के कपड़े पहनकर पूजा करने से माँ चंद्रघंटा की असीम कृपा आप पे बनी रहेगी। नवरात्रि का चौथा दिन रॉयल ब्लू। नवरात्रि के नौ रंगों में से सबसे पसंद किया जाने वाला रंग रॉयल ब्लू है। इस रंग का इस्तेमाल देवी कुष्मांडा को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है, जिन्हें उनके आठ हाथ होने की वजह से अष्टभुजा देवी के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने अपनी मुस्कान से दुनिया की रचना की है। ऐसा माना जाता है कि नवरात्रि के दौरान नीले रंग के कपड़े पहनने और इस देवी की पूजा करने से स्वास्थ्य धन और शक्ति की प्राप्ति होती है। नवरात्रि का पांचवा दिन पीला रंग। हिंदू धर्म में पीले रंग को शिक्षा और ज्ञान का रंग माना गया है और यह नवरात्रि के रंगों में से एक है जिसे इस त्यौहार के दौरान पहना जाता है। यह देवी स्कंद माता का रंग है जो भगवान कार्तिकेय की माता है। इस दिन हल्दी का भरपूर सेवन करें, खाना पकाने के लिए हल्दी का प्रयोग करें, इसे त्वचा पर लगाएं और पूजा करते समय भी इस्तेमाल करें। नवरात्रि का छठवां दिन हरा रंग। नवरात्रि के दौरान हरा रंग पहनना बेहद शुभ माना जाता है। यह नई शुरुआत और समृद्धि का प्रतीक है। हरा रंग माँ प्रकृति का रंग है और देवी कात्यायनी की पूजा भी इसी रंग को धारण करके ही की जाती है। देवी कात्यायनी ने ही राक्षस महिषासुरन को हराया था। आप नवरात्रि के छठे दिन हरे रंग के कपड़े पहनकर देवी की पूजा कर सकते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। नवरात्रि का सातवां दिन नवरात्रि में भूरे रंग का कपड़ा भी पहन सकती है। भूरे रंग का कपड़ा पहनकर माता की पूजा करें, यह एक शांत और सुरुचिपूर्ण रंग है। इसके अलावा देवी कालरात्रि की पूजा के लिए भूरे रंग का इस्तेमाल किया जाता है। वह देवी पार्वती का सातवां रूप है। आप भूरे रंग के कपड़े पहन सकती हैं और देवी से प्रार्थना कर सकते हैं कि आपके जीवन में नकारात्मक चीज़ों का नाश हो जाए। नवरात्रि के आठवां दिन बैंगनी रंग। यह आठवां नवरात्रि रंग है और उत्सव के अंतिम दिन को दर्शाता है। दुर्गा के अवतार महागौरी की पूजा की जाती है और लोग जीवन के सभी कष्टों को छुटकारा पाने के लिए उनकी पूजा करते हैं।
नवरात्रि के आठवें दिन सजने संवरने के लिए बैंगनी बहुत ही सुंदर रंग है। नवरात्रि का नौवा दिन पीकॉक ग्रीन। पीकॉक ग्रीन नौवा नवरात्रि रंग है जिसका उपयोग देवी सिद्धिदात्री की पूजा के लिए किया जाता है। यह अंतिम दिन को दर्शाता है और दया, सद्भाव व स्नेह का प्रतीक है। इस नवरात्रि रंग का उपयोग देवी सिद्धिदात्री की पूजा के लिए किया जाता है। सिद्धि का अर्थ है अलौकिक शक्ति और धात्री का अर्थ है देने वाली। वह मनुष्य को अलौकिक शक्तियाँ प्रदान करने वाली है। वह लोगों को आध्यात्मिक शक्तियों का आशीर्वाद देती है। इसलिए नौवें दिन पीकॉक ग्रीन रंग के नवरात्रि रंग के कपड़े पहने और घर पर नवरात्रि मंदिर की सजावट को भी पीकॉक ग्रीन रंग में सजाएं। हर दिन शरद नवरात्रि रंग का पालन करके इसे आनंदमय और खुशहाल नवरात्रि बनाएं। नवरात्रि के दौरान अलग अलग रंग के कपड़े पहनने के अलावा करें ये कार्य। अब तक आपने ये जाना कि प्रत्येक दिन किस प्रकार की नवरात्रि रंग पहनने हैं। यहाँ कुछ अन्य बातें बताने जा रही हूँ जिनका आप 9 दिनों के दौरान पालन कर सकते हैं। अपनी देवता और अपने आसपास के लोगों को जल अर्पित करें। यह विशेष रूप से शरद नवरात्रि के दौरान अच्छा माना जाता है जो सर्दी शुरू होने पर आती है। हो सके तो व्रत रखें। उपवास आपके शरीर को साफ करने में मदद करता है और आपके शरीर को फिर से जीवंत बनाता है। अपने पूजा मंदिर को सजाएं। आप अपने भगवान और पूजा घर को रोजाना सजाने के लिए नवरात्रि के रंगों का उपयोग करें। व्रत के दौरान मसालेदार, तेलीय और वसा युक्त भोजन खाने से बचें। यह 9 दिनों के दौरान आपके शरीर को शुद्ध करने का एक वैज्ञानिक तरीका भी है। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में माता रानी की जयकारा लगाना बिल्कुल भी मत भूलना। आपको मेरे चैनल पे व्रत त्योहारों की जानकारियाँ एवं उनसे जुड़ी कथा कहानियाँ मिलती रहेंगी। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।